आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शुक्रवार को हैवलॉक मेथोडिस्ट चर्च में गुड फ्राइडे मनाया गया। मसीह समाज के लोग हैवलॉक मेथोडिस्ट चर्च पहुंचे थे। यहां पर चर्च के प्रिस्ट पादरी रेव होरिसलाल ने गुड फ्राइडे की विशेष प्रार्थना कराई। मसीह समाज के लोगों ने चर्च पहुंचकर इस विशेष प्रार्थना में भाग लिया और प्रभु यीशु को याद किया। विशेष प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु के वचनों को सुनाया गया। सभी ने प्रभु यीशु के जीवन पर अपने अपने विचार रखे और युवा वर्ग को उनके जीवन और मानव जाति कल्याण हेतु दिए गए बलिदान से रूबरू कराया गया। पादरी रेव होरिसलाल ने बताया कि आज का दिन भले ही गुड फ्राइडे कहा जाता हो, लेकिन मसीह समाज के लिए गम का दिन है। आज ही के दिन प्रभु यीशु ने मानव जाति के कल्याण हेतु अपना बलिदान दिया था। आज चर्च में विशेष प्रार्थना की गई और प्रभु यीशु को सभी ने याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। गुड फ्राइडे की विशेष प्रार्थना सभा में प्रतिभाग करने वाले लोगों ने बताया कि आज सभी लोगों ने श्वेत कपड़े पहने हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन प्रभु यीशु ने अपना बलिदान देकर सभी लोगों के पापों को हर लिया था और सभी लोग स्वच्छ और निर्मल बन गए थे, जैसा कि श्वेत कपड़ा होता है। इसलिए आज सभी लोगों ने सफेद कपड़ा पहना हुआ है, जिससे उनका मन काया इस प्रार्थना सभा के बाद निर्मल और स्वच्छ हो जाए। आगरा से न्यूज 9 भारत के लिए संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। नाम दीपिका है और मैं यहाँ चर्च की मेंबर हूँ। और आज के दिन हम सभी मसीही मिलकर गुड फ्राइडे को मनाते हैं। ये वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया और हमारे सब पापों को अपने ऊपर लिया। और इसीलिए ये हम सभी मसीहों के लिए और सभी मानव जाति के लिए एक शुभ दिन है, क्योंकि हम सब अपने पापों से, जो कि पुराने, आने वाले और अभी के जितने भी पाप हैं, उन सबसे मुक्त हो चुके हैं और एक उद्धार के मार्ग पर हम लोग चलते हैं। मेरा नाम रेवरन हॉरिस एच लाल है और मैं यहाँ हैवलॉक मेथोडिस्ट चर्च का प्रीस्ट इंचार्ज हूँ। और आज जो हमारा आयोजन है वो गुड फ्राइडे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड फ्राइडे है तो आप यहाँ चर्च में जुटे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं गुड फ्राइडे के दिन, आप क्या कहना चाहते? गुड फ्राइडे का अर्थ, बहुत सारे लोग बाग ये सोचते हैं कि कुछ अच्छा है, लेकिन ये अच्छा केवल मनुष्य जाति के लिए है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु दिन है ये, और इसलिए क्योंकि उसकी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों का छुटकारा होता है, इसलिए इसको गुड की नज़रिए से देखा जाता है। और यहाँ जितने मसीह विश्वासी हैं वो प्रभु के उन 7 वचनों को सुनते हैं जो उन्होंने क्रूस पर से कहे जो उनकी मृत्यु निकट थी। इसलिए इस गुड फ्राइडे को हम एक दुख और एक शोक के साथ मनाते हैं, लेकिन आनंद इस बात का करते हैं कि परमेश्वर ने अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह को इस जहान में भेजा ताकि मनुष्य जाति, केवल मसीह समाज नहीं, मनुष्य जाति के पापों का निवारण हो सके और सब पाप से छुटकारा पा सके। मेरा नाम प्रिया लाल है। आज के दिन हम प्रभु के भवन में गुड फ्राइडे मना रहे हैं। गुड फ्राइडे को हम शुभ शुक्रवार के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर अपनी जान दी थी, जिससे समस्त मानव जाति उद्धार पा सके, नजात पा सके, आज़ाद हो सके। और आपने प्रभु के भवन में देखा होगा, मोस्टली लोगों ने सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई है। इससे हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि आज जो हमारे मनुष्य के जो पाप हैं, गुनाह हैं, वो आज प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए हैं और हमें बिल्कुल निष्पाप, पाप मुक्त कर दिया है। इसलिए आज के दिन हम सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं और आज ही के दिन समस्त जाति आज़ाद हुई। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगे इजाज़त, नमस्कार।